हेलो जी। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं GD5, वो भी इस कंट्रोलर से, और मुझे इसका यूज करता बिल्कुल भी नहीं आता। ये मुझे अभी खरीदे हुए 30 मिनट हुए हैं और मैं लगा के डायरेक्ट फर्स्ट टाइम खेलने वाला, मुझे इसका बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता। मुझे आगे पीछे चलने के लिए ना कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, और गाड़ियां बस मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूं। वैसे इसमें है काफी सारी अलग अलग बटन, पर मुझे इनका यूज नहीं पता, मैं बाद में इनको देखूंगा। अभी तो मुझे मेन गाड़ियां चलानी है। गाड़ी पे बैठ जाओ मेरा करेक्टर। यहाँ पे वैसे एक ये वाली बटन है, वो मैंने गन में एम किया, ये वाइब्रेट किया, गन मारता हूँ तो ये वाइब्रेट करता है। सही है, अब मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। अरे मैं डर क्यों रहा हूँ, असली में थोड़ी ना गाड़ी टूटेगी। मैंने गाड़ी ठोक दिया। एक सेकेंड, पहले तो मेरे पास ना इधर पे नीचे एक ब्रेक है और एक एक्सीलेटर है यार, फील तो इसको चला रहे मैं। अभी तो मैं अच्छे से चला ही नहीं, रुको हाईवे में लेके चलता हूँ। बच गई ये लड़की। यार फील तो इसको चलाने में वाइब्रेट कर रहा है, तो मैं सोचा बस ऐसे नॉर्मल से ही स्टीयरिंग होगा ये, बिकॉज उतना महंगा भी नहीं है, 6-7 हज़ार का ही है। इस तरह तो मैं रियल में कार चलाना सीख सकता हूँ। मुझे जस्ट हल्का हल्का मोड़ना है, अगर मैं एकदम से मोड़ता हूँ ना तो पूरा ऐसा ही हो जाएगा, तो नहीं, मुझे कंट्रोल में रखे धीरे धीरे चलाना है। अब चलेगी ये वाली गाड़ी फास्ट। ये वाली कार को कंट्रोल करना मुश्किल है। अब नहीं, उतना भी मुश्किल नहीं है मैंने जितना सोचा था। नहीं मुश्किल है सॉरी, थोड़ा सा दे रहा हूँ, पूरा ही मुड़ जा रही। तो अभी ना मुझे जाना किधर पे है, एक ये यहाँ पे ये कॉमा मार्क है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। यार तुम लोग को बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा वॉइस आ रहा होगा, बच्चे यहाँ पे हल्ला बहुत कर रहे हैं। वेट, यहाँ पे रेड डॉट क्यों आ रहा है, कोई आ रहा है क्या मुझे मारने मारने के लिए? ये लोग कौन है, इनका पीछा करना है क्या मुझे? मुझे रेड डॉट का निशान आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे इनको मारना है कि पीछा करना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यार। दिख ही नहीं रहे मैप में यार, वो तो दूर भग गए। हट जाओ सालो, मुझसे नहीं आता गाड़ी वाड़ी चलाना। बाय द वे इधर पे एक फिल्म सिटी है, मैं फिल्म सिटी चलता हूँ ना। अच्छा फिल्म सिटी नहीं है, वो शायद थिएटर है, मैप में तो मुझे दिख रहा है। ये कैसा मूवी का पोस्टर है, वो बंदा जानवर को लिया अपना मेन पॉइंट छुपाने के लिए। मैं आ चुका हूँ एक सिनेमा हॉल। यार ये बढ़िया है, नो मोबाइल फोन्स, मेरे पास तो है भी नहीं मोबाइल। 20 minutes later. अबे मुझे मूवी समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं देखना मूवी। अबे ये कैसा पोस्टर लगा इधर पे, यहाँ पे मुझे कोई बुला रहा है। एक सेकेंड, ये मुझे बुला रही थी लड़की, अभी कुछ काम है आपको? हेलो, बुला रहे थे आप अभी मुझे? हेलो बोलो। अबे मैं मार भी नहीं सकता इसे, वाओ अब मार सकता हूँ, पैसे मिल गए मुझे। बुला के बोल नहीं रही थी, मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी, मार दिया मैंने। मुझे इधर पे एक बाइक मिल गया, बाइक में कंट्रोल कर सकता हूँ क्या इससे? ओके, बाइक भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। बाइक तो और इजी है चलाना इस पे, एक बार बाइक चला के देखता हूँ फुल स्पीड में। गिरूंगा तो डायरेक्ट मर जाऊंगा, मुझे ये तो पता है, लेकिन हेलमेट लगा के रखा मेरा कैरेक्टर, तो शायद नहीं मरूं। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ रहा है मुझे इसका भी। बच गया। तो हम लोग आज खेलने जा रहे हैं GTA Vice City। तो पहली बार है मेरा, यू डोंट टेक सीरियस, आई एम जस्ट फॉर मेक फन। ये खेलने वाला है इसने कभी नहीं खेला है, लास्ट टाइम इसने GTA Vice City खेला था, कब खेला था भैया? 10 साल हो गए। अरे 10 साल का तो मैं हूँ पागल, जब फर्स्ट क्लास में था ना, फर्स्ट क्लास में खेला था, और आज ये डायरेक्ट GTA 5 खेल रहा है। चला वो तेरे को मार दिया है। अभी मैं भी बहुत गंदा चलाता हूँ वैसे, तो वाइब्रेट होता होगा जब ऐसे यहाँ पे ग्रास पे ले जाएगा ना, तो वाइब्रेट होता है ना। वाइब्रेट अभी कहाँ होगा, अब होगा ना जब जाएगी तो। बंदा उड़ा दिया। अरे यार ये तो साफ देख ना, आगे नहीं से मार भाग। दोनों एक बंदा कहाँ पे उड़ के, अरे सोचा कि यहाँ पे यहाँ पे उड़ के चले गए। एक भारी गाड़ी ले उस पे चला, ट्रैक से अच्छी कंट्रोल आएंगे। ट्रैक उतार 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 यार। अरे रुक मैं तेरे को ट्रैक दिलवाता हूँ। पुलिस भी यहीं पे लगी है, कोई बात नहीं, जल्दी से भागना। अरे भाग, अपन के पास ट्रैक आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। वो पहले से ही भाग गया, वो खुद ही उतर के भाग गया ट्रैक वाला। जल्दी पुलिस सामने, मार देगी तेरे को। रुक। हाँ हाँ ट्रैक है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं सर। अबे तो हेल्प तो थोड़ा सा है। अरे भाई पहले ही ट्रैक ले लेता, मस्त चलता है। कंट्रोल्स तो आ रहे हैं ना, ऐसा भारी है तो फील आ रहा है कि भारी वाला गाड़ी चला रहा हूँ मैं। आप लोग
इंग्लिश ना बोलो मेरे सामने या ब्रो आई एम लर्निंग इन दिस टाइम्स इंग्लिश 12th में कितने आए थे तेरे 80 है फोटो लगा था वो स्कूल में अगर जिसके नंबर अच्छे आ रहा था वो था ना मतलब ऐसे ही पास होता है काश हमारी किस्मत ऐसी होती मेरे नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है वैसे बता दूं 12th क्लास है मेरा भी अबे यार ये तो इसमें भी नहीं चला पा रहा यार पुलिस पीछे खड़ी है भगा इसीलिए पीछे हेलीकॉप्टर भी आ गया अबे पीछे भी दो तीन तीन चार चार पुलिस आ गया पीछे मैं जब भी खेलता हूँ 10 पुलिस लेके चलता हूँ साथ में पुलिस जो होता है ये गया गया हेल्थ खत्म वैसे पहले जब 10 साल पहले अपन खेलते थे जैसा खेलते थे अगर मर गया तो मेरा दिमाग तो मैं ना अभी एक रेस करने के लिए आया हूँ वो भी इस स्टीयरिंग व्हील से मैं रेस करने वाला हूँ पर ये एक दिक्कत है यार कार नहीं है ये हमें बाइक पे रेस करना पड़ेगा कोई नहीं हम कर देंगे फिर भी क्योंकि बाइक के कंट्रोल्स भी वैसे ही हैं मेरे को सबसे पीछे रखा है इन्होंने होप सो मैं जीत जाऊँ बस यार मैं पीछे क्यों इतना वो चारों का अलग गाड़ी और हम दो लोग का अलग गाड़ी है अबे धक्का क्यों दे रहे हो सालो मुझे कंट्रोल्स अपने सुधारने में जीतने पे फोकस नहीं करना मुझे मैं गिर गया मैं जल्दी से बाइक पकड़ अरे फिर से गिर गया मैं वाओ मैं इसीलिए मेरे को बाइक उतना चलाना पसंद नहीं है क्योंकि मैं उसमें ना हल्का सा लग जाता है तो गिर जाता हूँ कार पे कम से कम गिरता तो नहीं हूं मैं अरे साले मेरा कैरेक्टर गिरते ही रहता है मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ असली रेस थोड़ी है पैसे थोड़ी ना मिलने मुझे मेरे ऐसा दिल में ना कुछ हो रहा है लो खत्म फिफ्थ रैंक लगी मेरी कोई नहीं यार बढ़िया रेस थी यहाँ पे कुछ लोग कैंप लगाने आए हैं अच्छे लोग लग रहे हैं मुझे इनसे बातचीत हो सकती है क्या मेरी हेलो क्या मैं आप लोग की टीम पे आ सकता हूँ मुझे भी आप लोग के साथ कैंप लगाना है इधर पे 3 लड़कियां 1 लड़का है भाई ऐसे ट्रिप में तो हमें भी जाना है ले गुस्सा कर रहे हैं मुझसे ले जल गया बेचारा ओए मैं भी जल गया प्लीज प्लीज मुझे नहीं जलना वो जलते रहे मैंने आग लगा दी उन लोग के कैंप में अब आग बढ़ रही है एक सेकेंड मैंने पूरे कैंप में आग लगा दी इनके दोनों कैंप जल रहे हैं और वो दोनों से मतलब ही नहीं कहाँ गई वो लड़कियाँ लड़कियों से मतलब ही नहीं वो भाग गई बेचारे लड़के को मैंने चला भी दिया पूरा काला काला हो गया ये ओ इस वाले कैंप पे भी आग आ गई लगता है पूरे जंगल में आग लगने वाली है अभी तक नहीं पता चला अब भाग रहे हैं ये लोग तो अब ना मुझे यहाँ पे एक ये है मैं इधर पे कभी नहीं गया मैं इधर पे चल के देखता हूँ जब ये किसी ग्रास या फिर अजीब सी उबड़ खाबड़ वाली जगह पे चलता है ना तो वाइब्रेट कर रहा है ये देखो क्या मस्त चला रहा हूँ अभी जब रेस हो रहा था तब इतना अच्छा नहीं चला रहा था यहाँ पे दो बंदे रुके हुए हैं क्या हो गया इनको कोई प्रॉब्लम है क्या सर आप लोग को के बाल देखो रुको इसके खोपड़ी पे मारता हूँ पुलिस लग गई अबे पुलिस को कौन बताता है ये सब पुलिस को पता कैसे चलते कि मैंने गोली मार दी पुलिस आ गई यहाँ पे वाओ अबे पुलिस कैसे वो भी दो दो पुलिस वाओ मुझे भागना पड़ेगा इधर से पहाड़ों में भी पुलिस आती क्या मुझे लगा पहाड़ों में तो नहीं आती अबे यार तो मैं 2 मिनट यहीं पे खड़ा रहूंगा पुलिस हट जाएगी मार दिया यार उन्होंने कोई बात नहीं कम से कम अभी हॉस्पिटल पे तो आ जाएंगे हम तो अब हमें जिधर पे जाना है ना वो जो 60 miles है पास में ही है ब्लेट यहाँ पे मुझे एक ब्लू डॉट आ रहा है पर क्यों आ रहा है ये नहीं पता मुझे किसी को हेल्प चाहिए अबे यार साले कबाड़ी वाले कुछ हेल्प करना है क्या मुझे इनकी ये कुछ तो लेके जा रहा है मारना था क्या मुझे इसे पुलिस लग गई यार मेरे पीछे पुलिस नहीं लगाना था मुझे ये गाड़ी लेके कहीं जाना है क्या मुझे साले मुझे चप्पल चोर समझेगा अबे यार पुलिस वाले ये धक्का मारते ना तो गाड़ी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है आ जाओ चलो बीच में जा रहा हूँ मैं अब अरे पुलिस हट गई पुलिस नहीं ढूंढ पा रही हमें पर मेरा गाड़ी फंस गया यार अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा जो यहाँ पे किसी का खचाड़ा कार मिल गया तो अब मुझे जिधर जाना है वो भी जिस बगल में ही है 20 miles है और ये भारी गाड़ियाँ चलाना ना मेरे को अब ईजी लगने लगा बस हमें हल्का हल्का ऐसा मोड़ना है तो हमें शायद इधर से ट्रोली से ले जाएंगे केबल कार नाम है इसका ये बुड्ढा भी वेट कर रहा है हेलो सर आपके कपड़े तो मस्त हैं बेचारा डर गया शायद हमारे कपड़े देख के बिकॉज हमारे देखो निशान इतने खून लग रखा है पूरा है पुलिस को फोन साले पुलिस को फोन क्यों लगा रहा था मैंने कौन सी इसकी बहू भगा ली तो ये आ गई केबल कार
मुझे बैठना कैसे इसमें? ओके सिंपल है, इतना अच्छा लग रहा है ऐसे। वैसे क्या तुम लोग ऐसे रियल में गए हो क्या ये वाले केबल कार पे? मैं गया हूँ, मेरे यहाँ ना एक मंदिर है तो उधर पे ऐसा ही है केबल वाला। पहुंच गए हम, इधर पे तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा हमें। अब मैं इधर आ तो गया और अब मैं नीचे, और अब इधर पे गाड़ियां नहीं है तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी खड़ा है ना इधर पे एक। क्यों भाई लोग सिगरेट पी रहे हो तुम लोग इधर पे आके? आओ तुम लोग मुक के। अबे साली ये मुझे मार रहा है। वैसे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मैं ना अभी इधर से जंप करने वाला हूँ प्रॉपर। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और या कमेंट कर दिया करो यार, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं मर भी गया। बाय बाय।